पश्चिमी दिल्ली के दिल्ली हॉट में तीज उत्सव के मौके पर डॉक्टर मीडिया द्वारा डांस दिल्ली डांस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मैं हैरी असनानी, डॉक्टर मीडिया ऑनर, और मैं बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचता हूँ, जो कि जैसे आज भी हमारा एक शो चल रहा है डांस दिल्ली डांस, और इससे पहले भी हमारे बहुत शो किड्स के लिए हुए हैं। और आज हमारे साथ बॉलीवुड फेम मिस्टर अनमान ताहिल, हमारे यहाँ गूंगा पहलवान जो अर्जुन अवार्डी हैं वो, हमारे साथ दीपक वालिया, और हमारे साथ बहुत और साथ के साथ हमारे ये दिल्ली हाट में तीज राखी मेला भी चल रहा है। सर, मेरा शो करने का उद्देश्य ये है कि जितने छोटे छोटे बच्चे हैं हम उनको स्टेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब मैं छोटी उम्र में था मुझे स्टेज प्रोवाइड कभी नहीं हुए, और मैं यही चाहता हूँ कि जो आगे ले छोटे ठीक है जनरेशन है हमारी वो बहुत आगे बढ़े, उनके लिए हम उनको स्टेज हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। मैं उनको हर महीने मेरा कोई ना कोई शो होता है, हर हम उनको कभी डांस शो, कभी मॉडलिंग शो, और कभी एक्टिंग शो, हमारे बैक टू बैक होते रहते हैं। सर, ये तो हमारे भगवान का शुक्र है, और जिसमें हमारा जितना क्राउड आया वो बारिश होने के बावजूद भी ठीक है ऐसा क्राउड है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। यहाँ पर कम से कम 10,000 लोग हैं। इसका आयोजन हैरी असनानी ने किया, जिनका उद्देश्य उन बच्चों को एक मंच प्रदान करना जिनके अंदर टैलेंट है आगे बढ़ने का, पर किसी कारण उनको सही मंच नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमने एक प्रयास किया है, ऐसे बच्चों को उनके लिए शो लेकर आए हैं जिनसे हम उनको एक मंच प्रदान कर सके। Hi, this is Arman Tahil, actor from Mumbai, Bollywood, and मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मेरे 100 से ज़्यादा सीरियल्स आ चुके हैं टीवी पर, अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको सीरियल्स के नाम बता देता हूँ, CID, सनसनी, फियर फाइल्स, पुलिस फाइल्स, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, आहट, और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे सीरियल्स आ चुके हैं। देखिए, जब भी मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं, और दिल्ली के बच्चों में बहुत ही प्रतिभा है, बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही एनर्जेटिक है, और जब भी मैं देखता हूँ तो उनमें एक अलग सी एनर्जी होती है, तो बस दिल्ली के बच्चे नंबर वन है और मैं चाहूँगा कि वो हमेशा नंबर वन ही रहें और यूं ही परफॉर्म करते रहें। मेरा नाम है नीलम लाठर, मैं हरियाणा से आई हूँ, रेसलर हूँ, और दंगल और सुल्तान मूवी में दोनों में मैं काम कर चुकी हूँ। मेरे को बहुत मैंने इनका डांस देखा है, बहुत अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है, और इनको एक मंच मिला है ऐसा कि आगे बढ़ने का, दीपक जी ने और हैरी जी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, इन्होंने मैं बुलाई हूँ। बच्चों की प्रतिभा देख के तो बहुत ही आनंद आ रहा है, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इन लोगों ने अपना प्रदर्शन दिखाया, सिंगिंग में, डांस में, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम हंसराज है, मैं सोनटेक कंपनी से हूँ, और आज बहुत अच्छा लगा ये दिल्ली हाट में, जनकपुरी में एक बच्चों का टैलेंट शो हो रहा है डांस डांस दिल्ली डांस। वैसे भी यहाँ पे दिल्ली बहुत, यहाँ पूरा नॉर्थ इंडिया हमारा कलाकारों के बहुत उत्पादन करता है, बहुत अच्छा हमेशा ही रहा है, हमेशा यहाँ पे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, और आज यहाँ प्रोग्राम जो हो रहा है बहुत अच्छा। मैं हरि भाई साहब को और दीपक भाई साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो गाइस, दिस इज योर VIP, और आज मैं हूँ दिल्ली हाट में, और मुझे बुलाया है हमें सारी भाई ने, और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने देखा यहाँ पे लोग बच्चे मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, तो बड़ी अच्छी बात है कि आजकल के नए टैलेंट को मौका मिल रहा है, और हमारे हैरी भाई इस चीज़ पर बड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये बड़ी ही अच्छी बात है कि ये और अनुदीप जी जो दिल्ली हाट के अंदर जो सब कुछ मैनेज करते हैं, उस ये दोनों जने मिलकर एक टीम की तरह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इस अवसर पर बॉलीवुड जगत के कई सितारे भी देखे गए, जिनमें अरमान ताहिर, श्वेता शर्मा, राजेश पंडित, कंचन कृष्ण अडनानी, पर गौतम, मिसेस दिल्ली NCR 2017, ऑर्गेनाइजर हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, प्रोफेशनल सिंगर हूँ, सेलिब्रिटी सिंगर हूँ, सब कुछ। मैम, आप ये बच्चों को लेकर कहना चाहेंगी? आप बच्चों को लेकर ये कहना चाहूँगी कि हैरी जी एंड दीपक जी ने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, ये प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलते रहना चाहिए, और बच्चों को आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इतना अच्छा टैलेंट ये लोग लेके बाहर आए हैं, और इट्स अमेजिंग। एकेडमी के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, और हम लोग का इवेंट होते रहते हैं ऐसे, ये भी बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत बड़ा है, हमारा भी इवेंट होने वाला है अक्टूबर में, तो उसकी सारी जानकारी पेजेस पे है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप जाके चेक कर सकते हैं, और स्टूडियो है द्वारका सेक्टर 12 में, आप कभी भी आके हमें देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। हमने तैयारी तो बहुत कराई थी, बहुत ज़्यादा टाइम दिया था बच्चों को, अब बच्चे स्टेज पर भी अच्छा कर रहे हैं, देख के खुशी हो रही है। आज हमने ये प्रोग्राम डांस दिल्ली डांस ऑर्गेनाइज कराया हैरी भाई और हमने, और काफ़ी सेलिब्रिटी आए हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने सबके इंटरव्यू लिए हैं, और आपको भी अच्छा लग रहा होगा यहाँ के। भाई साहब का बहुत अच्छा नेचर है, और भाई साहब ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उन बच्चों को भाई साहब अपनी कंपनी में चांस देंगे,
और काफ़ी प्रोग्रामों में इन्होंने अनाउंसमेंट करी है और मैं इनकी अनाउंसमेंट से बहुत खुश हूँ। मैं सुरेंद्र पहल हूँ, मैं कबड्डी का अध्यक्ष हूँ और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने एक इतना अच्छा प्रोग्राम किया, बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म दिया जिससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एक अच्छा मौका रहा और ऐसे प्रोग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते रहने चाहिए। मेरा नाम श्वेता शर्मा है, मैं एक तमिल आर्टिस्ट एंड भोजपुरी आर्टिस्ट हूँ। आज का शो देख के बहुत अच्छा लगा, अमन बच्चे लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जो यहाँ टैलेंट दिखा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि पब्लिक के सामने टैलेंट दिखा रहे हैं और ये बहुत मायने रखता है कि छोटे बच्चे एक पब्लिक के साथ परफॉर्म करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। मेरा नाम कंचन कृष्ण अरनानी है और मैं एक बॉलीवुड एक्टर हूँ और आज मैं थैंक्स करना चाहूँगी हैरी को, दीपक वालिया जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आके बुला के मुझे ऑनर दिया और यहाँ के बच्चों को देख के मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बचपन से ही नींव मजबूत कीजिए, उनको एक्टिविटीज़ में भाग लेने का मौका दीजिए क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं कि हमें मालूम है कि हमें यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। अगर बच्चे की नींव मजबूत होगी तो बहुत बड़े स्टार बनेंगे। बहुत बढ़िया लगा और ऐसा टैलेंट जो है बहुत ही बेहतरीन है और हमारे टाइम पे प्लेटफॉर्म नहीं थे, ऐसे चांस होते रहने चाहिए, बच्चे आगे बढ़े और बहुत अच्छा है। इस प्रतियोगिता में कुल 3 अकेडमी के बच्चों ने हिस्सा लिया जिसमें IDS रॉयल पंजाब अकेडमी आर्ट वाइब। मेरी 2 वेब सीरीज आ रही हैं, एक का नाम है कबाब और एक का नाम है पड़ोसन धमाल और एक फिल्म आ रही है जयप्रदा जी के साथ। थैंक यू सर। एक फिल्म आ रही है जयप्रदा जी के साथ और फिल्म में मेरे साथ अमर सिंह जी भी हैं और मेरी हीरोइन है यामिनी एस और फिल्म का नाम है बधाई हो बेटी हुई है। ये मोदी सरकार के जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी को एक्सटेंड करके बेटियों के लिए किया जा रहा है बधाई हो बेटी हुई है, क्योंकि बेटियों के अक्सर पैदा होने पे बधाई नहीं दी जाती है लेकिन ये सरकार की तरफ से एक फिल्म स्पेशल बनाई जा रही है। ये वीरेंद्र सिंह हैं और ये यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये डेफ ओलंपिक के 3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट और 1 बार के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और अर्जुन अवार्डी हैं और भाई हैरी ने भी यहाँ बुला के उनको बहुत सम्मान दिया, उसके लिए वो उनके भाई का धन्यवाद कहना चाहते हैं।